यहीं से ही हर एक चीज शुरू होती है। अगर आपने भाई लोगों ने गदर गाड़ रखा है, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं मेरी, जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है ये वाली। तो हे गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो भाई वीकेंड, शनिवार इतवार और नैनीताल शहर में भीड़ है तो लाजमी है। फिलहाल भी मैं मस्जिद के पास खड़ा हुआ हूँ, बाकी यार शहर में काफी क्राउड है, देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्किंग तो भाई फुल चल रही है, दबा के भीड़ है शहर में। तो ऐसा करेंगे, थोड़ा सा मस्जिद वाले इलाके से आगे को चलेंगे। देखो ऐसा कर रहे हैं ना, ये वाली हो चुकी है पार्किंग फुल, तो अल्टरनेट पार्किंग जो है ना आगे को भेज दे रहे हैं कि आगे जाइए, आगे जाके यहाँ से थोड़ा सा आगे को जाके 200 या 300 मीटर्स आगे जाके मेट्रोपोल पार्किंग पड़ती है ना, तो उधर को डाइवर्ट कर दिया जाता है क्योंकि इसकी भी लिमिट है ना। चलिए, ये जो एरिया है पूरा यहाँ पर चल रहा है नीचे मैच, ये DSF फ्लैट्स ग्राउंड है ना। तो समय की बात करते हैं, करीब इस वक्त हो रहा है 4:30 शाम के, और दिन भर भाई बढ़िया खिली धूप रही है। अब तो रेगुलर बढ़िया मौसम रहने वाला है शहर का, अगर आप आने का प्लान कर रहे हो तो भाई दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू कम हियर। आज की अगर टेम्परेचर की बात करें ना, करीब दिन में 17 डिग्री के आसपास था और शाम को ये 6 डिग्री के आसपास रहा है। हल्के हल्के शहर में भी गर्मी अब शुरू हो गई है, लेकिन शाम को क्या है ना, अभी भी जैकेट की ज़रूरत है। और जो लोग नैनीताल आने का प्लान बना रहे हो उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा, अपने साथ एक स्वेटर लेकर ज़रूर आना, क्योंकि शायद आपको थोड़ी सी ठंड लग जाए। अभी थोड़ा हम आगे को जाएंगे, आपको यहाँ पर जैकेट वैकेट पहने हुए लोग, मतलब लोकल्स तो खैर है ही सीन हमारा, हम लोग क्या करते हैं ना, जितने भी हैं पहाड़ी लोग, हम लोग भाई जैकेट वैकेट पहन के घूमते ही हैं, मतलब शाम को तो हमें थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये है ही, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हो ना, तो ज़रूर स्वेटर लेकर आना शाम को, मतलब ये 15 दिन अभी आने वाले हैं, इस बीच में अगर आ रहे हो तो ज़रूर स्वेटर लेकर आना। ये है गाड़ी पड़ाव वाला इलाका, और सामने देख रहे हो भाई नॉनवेज हेवन है यहाँ तो। भाई अगर आपको नॉनवेज वॉनवेज खाने तो इस इलाके में आ जाओ, यहाँ से आगे को जाके पूरा ये खड़ी बाजार वाला इलाका, फिर हेरिटेज मार्केट भी शुरू हो जाती है। चलिए हम चल रहे हैं लेक के तरफ को, लेक के नज़दीक जाया जाए, थोड़ा वहाँ का माहौल देखना भी ज़रूरी है, शहर में दरअसल हो क्या रहा है, वहीं जाके मतलब रोज़ पता लगता है ना आखिर व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन। मेन मुझसे बहुत से व्यूवर्स बोलते हैं रेगुलर, यार रोज़ मतलब तुम लेक के पास चले आते हो, कुछ नया दिखाओ। भाई मेरा क्या सीन है ना, मैं नैनीताल शहर रोज़ दिखाऊंगा भाई, आपको अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिए, नहीं लगता तो आप फिर कुछ और देखिए, फिर यही कहूँगा यार। मुझे तो भाई नैनीताल दिखाने में ज़्यादा मज़े आते हैं, और जब क्राउड हो जाता है शहर में तो भाई और ज़्यादा रौनक देखने में कितना अच्छा लगता है ना, नए नए फेसेस। हमें तो खैर मज़े आते हैं नए नए फेसेस देखने के। अब ऐसा सीन है ना, आने वाले दिनों में नैनीताल शहर में क्राउड रेगुलर देखने को मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ हम वीकेंड्स पे बात कर रहे हैं ना कि वीकेंड्स पे नैनीताल शहर में क्राउड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आफ्टर 15 या 10 डेज बाद यहाँ पर रेगुलर क्राउड देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा ना, फिर यहाँ पर थोड़ी सी महंगाई ज़्यादा हो जाती है, फिर लोग थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाते हैं कि नैनीताल शहर जो है भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो अगर आप लोगों को सस्ते में एक ट्रैवल करना है या बजट ट्रैवल करना है तो ये 10-10 दिन पहले अभी आ जाओ, फिर आगे आने वाले जो दिन है भाई थोड़े से फिर महंगे हो जाएंगे, फिर वो जून जुलाई तक ऐसा ही सीन रहेगा, पीक सीजन एकदम। आ चुके हैं मॉल रोड की शुरुआत के पास, भाई यहीं से ही हर एक चीज़ शुरू होती है। अगर आप नैनीताल आते हो ना तो यहाँ से लाइक आप कैब बुक करके 7 पॉइंट्स घूम सकते हो, यहाँ से आप टैक्सी भी ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें, मतलब हर चीज़ यहीं से शुरू होती है। तो थोड़ा सा व्यस्त एरिया भी है ये, तभी इतना ट्रैफिक दिख रहा है। मैं रोड क्रॉस करके सामने जो भीड़ दिखाई दे रही है, अभी शायद नहीं दिख रही है उतनी, लेकिन उस भीड़ में घुसना है जो फुटपाथ वाला एरिया है। अच्छा, एक व्यूवर थे वो ये पूछ रहे थे कि सस्ता सामान कहाँ मिलता है, तो सामने उधर को ही आपको ले जा रहा हूँ मैं, जहाँ पर सस्ता सामान मतलब कपड़े थोड़े बहुत वो सरप्लस वाला जो माल होता है वो वहाँ पर मिल जाता है। तो देखो आपको रेंटल स्कूटीज़ भी मिल जाती हैं ये इस टाइप की, ये 700 से 800 रुपए में मिलती है। टूरिस्ट घूम रहे हैं मस्त, दबा के एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल में ना 7-8 पॉइंट है घूमने के लिए, तो आप वहाँ घूम सकते हो। आजकल ना मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, दिन भर बढ़िया धूप रह रही है, जैसे हम व्लॉग बनाने निकल रहे हैं। आजकल मौसम ऐसा हो रहा है ना, दिन भर बढ़िया धूप रह रही है और जैसे ही हम व्लॉग बनाने निकल रहे हैं भाई बादल लग जा रहे हैं, और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है भाई, बादल लग गए यार। और मैं आज ये पतला वाला ये पहन के आया हूँ, अपर टाइप, और भाई मुझे हल्का हल्का ठंडा फील हो रहा है, पता नहीं। अब हम लेक साइड जा रहे हैं, उधर को थोड़ा सा ज़्यादा और ठंडा होगा, बट कोई बात नहीं, अच्छा माहौल हो रहा है। हमें तो ठंडे ठंडे भी मज़े लगते हैं, अच्छा लगता है मतलब, और थोड़ी गर्मी हो जाती है वो भी ठीक ही लगता है। सब्सक्राइबर जो है ना वो तो रेगुलर मुझसे बोल ही रहे हैं कि ऐसा है भाई, हमारे वहाँ तो अब गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन आपका जो नैनीताल शहर है यहाँ ठंड जाने का नाम नहीं ले रही है।
नैनीताल शहर ठंड के लिए ही मशहूर है यार, चाहे आप जून जुलाई में भी आ जाओ ना, शाम को आपको ठंड फील हो, ये मतलब ये शहर करवा ही देगा ठंड फील की। हाँ यार सही में एक स्वेटर चाहिए था, तो यहाँ पर हम लोग 12 मंथ्स स्वेटर या जैकेट मतलब रखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि अपने अलवारी या वो होता नहीं है कवर्ड अवर्ड में डाल दिया अभी अगले साल ही निकलेंगे, यहाँ ऐसा वाला सीन नहीं होता क्योंकि मौसम कब पलटा है ये रहता ही है यहाँ। मतलब गर्मी भी नाम की आती है बस, मतलब जुलाई या जून में एक 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 डेढ़ महीने के लिए शायद ऐसा हो सकता है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 12 महीने ठंडा ही रहता है पूरा जो अपना नैनीताल इलाका है ना, यहाँ ऐसा ही सीन रहता है। पता क्या है ना, रोज़ नैनीताल लेक के पास जाना और भाई लेक के दीदार करना, ये बेसिक हैबिट है ही मेरी तो है ही, खासकर मैंने आप लोगों की भी एक आदत बना दी है। लोग बोलते हैं कि यार आज आपने लेक नहीं दिखाई, तो चलो चलते हैं फिर लेक के दीदार करते हैं। आज नैनीताल लेक कैसी दिख रही है? बोट स्टैंड पर थोड़ा सा टिकट के लिए थोड़ा लाइन लगी हुई है, टिकट लीजिए 420 रुपये और 320 रुपये, मतलब फुल राउंड और हाफ राउंड वाला सीन रहता है। बस ये भाई लोग स्मार्ट बन के बिल्कुल घूम रहे हैं यार, सही है बढ़िया है। चलो हम तो आगे चलते हैं, और सामने दो पाल नौकाएं भी दिख रही हैं ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ को जाती हुई। ये जो बोट हाउस क्लब है ना वहाँ पर से, सबके लिए नहीं होती यार ये भी स्पेशली, मतलब जो बोट हाउस क्लब के अंदर एंट्री लेता है एंट्री भी मतलब 600-700 रुपये की पड़ती है अगर आप कपल हो तो उसके बाद फिर आप ये इसका रेट भी 500-600 रुपये से होता है ऐसा कुछ, तो सस्ती नहीं है ये पाल नौकाए वाला सीन अगर आप इसमें बैठना चाह रहे हो, नहीं तो ये ऑप्शन है ही भाई 420 रुपये फुल राउंड और 320 रुपये हाफ राउंड ऐसा कुछ है। चलिए थोड़ी देर आँखों को मतलब सुकून दे लेते हैं ये बोलूँगा, नैनीताल झील ऐसा ही है यार, इसको देख कर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, मुझको ही नहीं जितने भी मेरे दर्शक हैं जितने मेरे व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं, मतलब हर किसी को ये मतलब ये मूवमेंट का वेट रहता ही है कि यार थोड़ी देर तो यार थोड़ी देर और लेक को देखने दो, थोड़ा मतलब मन को तृप्त करने दो। तो जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है ये वाली, तो तब तक हम ये लग रही बड़ी खूबसूरत ये बोट्स भी नैनीताल की शान है यार, ये कब से चल रही है पता नहीं, तो ये आ गई अपने डेस्टिनेशन पे। जो टूरिस्ट जितने हैं ना वो क्या कर रहा है, खुद तो खड़े यहाँ पर लेकिन अपने साथ साथ लोग हैं जो उनके जितने भी करीबी हैं ना सबको वीडियो कॉल के थ्रू से दिखा रहे, देखो नैनीताल लेक पीछे कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं नैनीताल आया हुआ हूँ, तो ये सब करते ही हैं। मतलब हम मैं भी अगर लाइक बीच ईच वाले एरिया में चले जाऊँ तो मैं भी शायद यही करूँगा, ये होता ही है। जो लोग प्लेन्स वाले एरिया में रहते हैं ना उनको पहाड़ ज़्यादा पसंद आते हैं, और जो लोग जैसे हम लोग हो गए, हम लोग पहाड़ी हो गए, तो हम लोगों को समुद्री इलाके बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज़ पास नहीं होती है ना तो वो ज़्यादा फैंटेसाइज करती है। भाई लोगों ने गदर गाड़ रखा है, ये पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर या तो अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, देखो या चढ़ा रहे हैं, देखो भाई हो मैं आ गया हूँ नैनीताल, तुम नहीं आ पाए, तुम सड़ रहे हो गर्मियों में, शायद कोई फंक्शन में आओगे क्योंकि सबने सूट बूट पहना हुआ है यार, ये भी गजब है यार, बॉयज वो है मैन विल बी मैन। चलो भाई ये बोर्ड बनकर तैयार हो गया, हम चलते हैं थोड़ा सा ये सामने जो ये बैंड स्टैंड वाला इलाका दिख रहा है ना उधर को चलते हैं। अरे यार मुझे भी हंसी आ गई उन्हें देखकर, पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। बैंड स्टैंड में शायद कुछ एपिसोड हो गया, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, पता नहीं शायद कुछ बातचीत हो रही है, उसको इग्नोर करते हैं हम। बाकी मैं नैनीताल शहर के बारे में ये बोलूँगा, ये शहर हर कोने से इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, आप किसी भी कोने में हो ना इसके रेडियस में कहीं भी खड़े हो भाई आपको अद्भुत ही लगेगा, अरे यार क्या शहर है, मतलब 30-40 किलोमीटर्स की मतलब कितना हुआ 30-40 किलोमीटर्स आप पहाड़ चढ़ने के बाद इतने खूबसूरत लेक आपको देखने को मिल जाती है, ये भाई और कहीं तो नहीं देखने को मिलेगी। अगर दिल्ली से बात करें 320 किलोमीटर है दिल्ली से डिस्टेंस, बस आपको 7-8 आवर्स की ड्राइव में इजीली आप नैनीताल शहर आ सकते हो, और ये खूबसूरत नज़ारा सर आपका वेट कर रहा है। फुटपाथ बाज़ार में भाई बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस रेगुलर देखने को मिलती है। यहाँ पर आज क्या हो रहा है, रॉक क्लाइंबिंग हो रही है, तो चलो इधर देखते हैं, ये कभी चलती है कभी नहीं होती है, इसका भी पता नहीं कुछ सीन समझ आता नहीं है यार, तो थोड़ा सा जाके देखते हैं। शायद ये देखो रेनोवेशन चलने वाला है, तो सारे यहाँ से बाड़ ये जो थी ये तब तोड़ दी गई है, कुछ नया आने वाला होगा, अच्छा ही है, पर चलो कुछ नया देखने को मिलेगा बहुत जल्द। सामने पहले ये बॉल आई ओ मिस हो गई, तो हम देखते हैं अब रॉक क्लाइंबर्स को, रॉक क्लाइंबर ये देखो भाई ऊपर चढ़ते हुए, अरे वाह ये ऊपर टच कर लेगा, और छोटे बच्चे भी दिख रहे थे अभी मुझे, छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ एक ये छोटी लड़की दिख रही है, ये मैडम चढ़ रही हैं एक, और ऊपर वो तो भाई टॉप पर ही है यार बिल्कुल, वो बस टॉप पीक को बस हिट करने वाला है, हिट करके आप सीधे नीचे, वेरी गुड यार, ये भी अपने आप में भाई
गजब स्पोर्ट है। जिन लोगों को पता है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हाथों पैरों में यार। ये इंस्ट्रक्टर मैडम होंगी ये बता रही हैं कुछ। और क्लाइंबिंग सेशन तो चल रहा है, हम यहाँ से निकलते हैं चिल्ड्रंस गार्डन की तरफ को, क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ जो नालायक बच्चे थे ना, जिन्होंने पिछली बार मुझे झूलने नहीं दिया था, वही दिख रहे हैं हुड़दंग करते हुए। तो आपको दिखा दो कितनी ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं वो बच्चे। तो वापसी, दोबारा वापसी हुई है हमारी फुटपाथ बाज़ार की तरफ को, लेकिन मैं अंदर जाऊँगा नहीं, मुझे पता वो देख के फिर हल्ला गुल्ला करने लगेंगे, वो शैतानी बहुत करते हैं यार। ये रहे देखो, ये सारे शैतान बच्चे और कुछ इनकी गैंग उधर है। उधर को एक वो लड़की झूल रही है पूरा भाई, ये हल्ला गुल्ला पूरा काटते हैं इधर। बाकी मूवी कौन सी लिखी है, शैतान। अरे यार इसके रिव्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे हैं यार, मुझे आर माधवन का पता लगा इसमें भाई, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो ये वाली मूवी भी। लेकिन देखो ये अपना खेल में है, और उधर अभी झूले खाली हैं। अगर मैं जाऊँगा ना, ये सब जाके बैठ जाएंगे, फिर वही मतलब शैतानी करने लगेंगे। तो अच्छा दूर से ही देख लो इनको जितना है। वैसा करते हैं मार्केट को चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है, उसके बाद सीधे घर को ही निकलेंगे। बाकी आज का माहौल हमें पता ही लग गया है, कितना ज़्यादा क्राउड नैनीताल शहर में है, बढ़िया भीड़ है। एक तरीके से देखा जाए नैनीताल शहर आज फुल हो गया है, वही वीकेंड वाला माहौल। ये तो चली ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन की तरफ को अपने, तो बैटरी रिक्शा चलती है यहाँ पर, ये भी ठीक है, पहले वाली मैनुअल रिक्शा चलती थी। तो फुटपाथ बाज़ार में भाई वैसे क्या क्या मिलता है कपड़ों के अलावा, यहाँ पर देखो भुट्टे, स्वीट कॉर्न हो गया, यहाँ पर ये चाट पापड़ी जो भी होती है वो भी दिख रही है। इसके अलावा और ये वाली शूटिंग वाले हो गए, बाकी ये और ये नैनीताल के स्पेशल है ये चीज़, ये आप लेके जा सकते हो, ये भी अच्छा है मतलब घर में सजाने के लिए। और कपड़े ज़्यादा दिखेंगे, खाने पीने के आइटम भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे। एक और देखो ये वाला आइटम देख रहे हो ना, ये भी सही है हो गया। इसके अलावा और आगे चलते हैं तो ये भी हो गया, मतलब होते होते एक तरीके से सस्ता बाज़ार बोला जाए, ये ठीक है, सस्ता बाज़ार इसको कहा जा सकता है। शाम होते होते ना टाउन में थोड़ा सा और ज़्यादा क्राउड हो जाएगा, लेकिन हम शाम तक रुकने वाले नहीं हैं। बाकी हमने आज का माहौल तो देख ही लिया है क्या हो रहा है शहर में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।